राजस्थान में चल गया जादूगर का जादू। एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार भाजपाइयों की उड़े नींद। आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि राजस्थान में उनकी सरकार बनने वाली है। जिस तरह से लोकसभा की बात कर ले तो लोकसभा चुनाव से पहले भी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट बहुत मायने रखते हैं, तो ऐसे में राजस्थान पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच कई न्यूज चैनल ने अपने सर्वे भी सामने लाए हैं जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई गई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किसान मोर्चा की तरफ से भी एक आंकड़ा जारी किया गया है। जी हां, किसान मोर्चा राजस्थान ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई गया है। आपको बता दें कि उसने लिखा हुआ है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। कांग्रेस का 10 से 15 सीटों पर बेहद करीब मुकाबला रहेगा, 500 से 1500 वोटों के बीच जीत रहेगी। इस बीच आपको बता दें कि उसने INC यानी कि कांग्रेस को 110 से 120 सीटें मिलती हुई दिखाई दिया गया है और इसी के साथ बीजेपी को महज 60 से 65 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ RLP और ASP को 8 से 10 सीटें, BSP को 1 से 2 और अन्य को 15 से 20 सीटें हुई मिलती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान में 2018 के मुकाबले 10 सीटें कम मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की भी भरपाई पश्चिम राजस्थान कर रहा है, यानी कि राजस्थान में एक बार फिर से जादूगर का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।